Hi, hello, namaskar, adab, and bonjour. Today we are going to make a French dish that is called au gratin. And gratin is a culinary technique जिसमें बहुत सारे vegetables को bake किया जाता है और उसका top layer बिल्कुल brown और crust होता है. Let's start making a new recipe, au gratin. It's a very unique French recipe. Now, let's try it on an induction cooker. Let's switch it on a fried mode. Now I'm going to prepare white sauce for this. Need to add butter. और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा olive oil. Now we are adding maida in this. और इसे हल्का रोस्ट करेंगे. वैसे इसमें बटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए बिकॉज पीपल आर वेरी कैलोरी कॉन्शियस. तो हमने इसमें ऑयल और बटर दोनों ही डाला है और वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में. इसे हल्का हल्का रोस्ट हो जाना चाहिए. नाउ वी आर एडिंग मिल्क इन दिस. स्लोली स्लोली आप इसमें मिल्क डालेंगे. से अराउंड 1 कप मिल्क यू नीड टू एड इन दिस. और इसमें लम्स नहीं हो जाए इसलिए आप उसको स्टर करते रहें. कीप ऑन स्टारिंग वाइल पुटिंग दिस मिल्क. जहां पे लम्स नजर आ रहे हैं आप उनको ब्रेक कीजिए. एंड नाउ जैसे ही थोड़ा सा ये बॉइलिंग इसमें आना शुरू होगा इट विल बी थिकन आफ्टर दैट. और ये बनने के बाद जितना पड़ा रहेगा उतना और थिक हो जाएगा. इसलिए इसे बहुत थिक भी नहीं करना है. इट शुड बी इन अ नॉर्मल कंसिस्टेंसी एंड अ फ्लोइंग कंसिस्टेंसी. थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत रहेगा इसमें बिकॉज बटर वॉज लेस. हम अगर इसमें बटर ज़्यादा डालेंगे तो डेफिनेटली जल्दी इसके लम्स क्लियर हो जाते हैं. बट यहाँ पे हल्का सा आपका मेहनत लगेगा बट हाँ कैलोरी इनटेक ज़रूर कम हो जाएगा. नाउ दिस इज डन. वी आर एडिंग सॉल्ट एंड पेपर एंड द पेपर. वेजिटेबल्स वी आर गोइंग टू ऐड कॉलीफ्लावर. थोड़ा डाइस्ड कट होना चाहिए. एंड मशरूम्स. मशरूम हमेशा डालने के लिए इसे आप ब्लांच मशरूम का यूज़ करेंगे. नाउ कीप स्टरिंग क्योंकि वो वाइट सॉस जो है वो नहीं तो बिल्कुल स्टिक हो जाएगा पैन के साथ तो बर्न होने के भी चांसेस हैं. लेट्स मेक इट लिटिल स्लो नाउ. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कुकिंग करते हुए. अगर हमें कभी भी इंडक्शन कुक को थोड़ा स्लो करना है तो हम माइनस पे जाके उसे टेम्परेचर लो कर सकते हैं. नाउ वी आर एडिंग कैरेट पीस मटर और साथ में डालेंगे थोड़ा सा पाइनएप्पल. इसका टेस्ट थोड़ा सा स्वीट करने के लिए. वैसे मैं हर डिश में पाइनएप्पल ज़रूर डालता हूँ बिकॉज दिस इज माय फेवरेट. नाउ जस्ट मिक्स इट नाइसली और स्लो कुक पे बिल्कुल स्लो कुक पे अब आप इसे थोड़ा मिक्स करेंगे एंड जस्ट कीप इट फॉर अ साइड. अब इसमें हमने बहुत सारा वाइट सॉस नहीं यूज़ किया है. कम वाइट सॉस यूज़ किया है. हल्का सा वेजिटेबल्स टेंडर हो जाएंगे. जस्ट स्विच ऑफ द इंडक्शन कुकटॉप. एट द एंड यू नीड टू ऐड लिटिल सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द वेजिटेबल्स. हमने पहले वाइट सॉस को थोड़ा सा सीजनिंग करने के लिए सॉल्ट डाला था. अब अकॉर्डिंग टू द वेजिटेबल्स आई एम एडिंग लिटिल मोर सॉल्ट एंड पेपर. And you can add oregano as well. It becomes very different and good flavor. And pour it into a bowl. कोई ऐसा container जो हमारे air fryer के pan में आ जाना चाहिए. Let's pour into any borosil bowl or a ceramic bowl. You can put it in a aluminium also. At the end, we'll add some cheese on the top. बहुत ज़्यादा इसमें हम ऐड नहीं करेंगे. हम इसको ग्रेवी में भी ऐड कर सकते थे, वाइट सॉस में भी ऐड कर सकते थे. बट चीज़ का इंटेक भी लोग बहुत ज़्यादा आजकल नहीं पसंद करते हैं बिकॉज पीपल आर वेरी कैलोरी कॉन्शियस नाउडेज. सो दिस इज डन. नाउ आफ्टर डूइंग दिस प्रोसेस वेजिटेबल्स आर ऑल्सो हाफ डन एंड वी आर गोइंग टू पॉर अ लिटल ऑरिगैनो.
and pepper on this. So now we are going to preheat the air fryer on 180 degrees. Now our air fryer is preheated. Let's put this dish into a pan and keep it inside for 10 to 12 minutes. And now 10 minutes are over and our recipe is also done, but you have to take it out very, very carefully because it's very hot. You need to use gloves. And you can see how wisely you can use your ingredients. So now our gratin is ready. You can serve it with buttered rice or buns. And please try at home. Enjoy your meals with Hevel's Air Fryer.